हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक तनाव के बाद लगाए गए कर्फ्यू का आज तीसरा दिन है और मेरे पीछे आपको तमाम वो भीड़ दिखाई दे रही है उन लेबर्स की, उन मजदूरों की, उन रोज काम करने वाले लोगों की जिनको इस कर्फ्यू के चलते काम नहीं मिल पा रहा है या जिनका काम पूरी तरीके से बाधित हो गया है। आप पलायन की ये तस्वीर देख रहे हैं नूह से और बड़ी संख्या में आपको तमाम मजदूर इस वक्त अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। कहाँ जा रही हैं, क्या नाम हुआ? छोटा सा बच्चा है जी। आप कहाँ जा रही हैं ये बैग लेकर? ये तो बड़ा भारी लग रहा है जी। हम MP जा रहे हैं और यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है हमारे लिए, बहुत गर्मी पड़ रही है। क्या करेंगे यहाँ रुके, आप बताइए। क्या काम करती थी यहाँ? हम लोग मजदूरी करते हैं दीदी जी। आप कहाँ जा रहे हैं? MP जा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, बाजार कुछ खुल नहीं रहा है, राशन पानी कुछ है नहीं खाने के। MP तो बहुत दूर है, अभी आगे से वाहन लेंगे। सरकार कुछ साधन नहीं चल रहा है तो पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ छोटे छोटे बच्चे लिए हैं, भूखन मर रहे हैं, रुकने में क्या करेंगे? यहाँ काम लगने रहा है सब बस। यहाँ पर दो दिन से जो बाजार वगैरह है उनको छूट दी गई थी कर्फ्यू में खोलने की, तो बाजार वगैरह नहीं खुल रहे? अभी नहीं, कुछ नहीं खुला है। हाँ, अभी सब बंद है, इसलिए हम जा रहे हैं। हम लोग दो दिन से बहुत परेशानी में रह रहे हैं। परेशानी है, शासन का चुका ही नहीं व्यवस्था, तो क्या करें थे? रुक के तो क्या काम करते थे आप यहाँ? मजदूरी तसला डा तो क्या काम है। हाँ, मजदूरी का काम तो नहीं हो रहा था, लेकिन घर में जो अनाज था, जो बाकी सब्जियाँ वगैरह थी, वो सब नहीं हो पाया। सब्जी आटा कहाँ से ले ले, जैसे खुले ही ना दुकान तो कहाँ से ले लेंगे? शासन व्यवस्था बनाएंगे तो हम लोग क्यों भागेंगे? रोज रोज आप लेते थे रोज सब्जी, रोज आटा लेते थे? रोज आटा लेते थे, रोज सब्जी लेते। अब काम नहीं लग रहा है इसलिए कि काम बंद हो गया, तो गांव जा रहे हैं पैदल पैदल। अब शासन व्यवस्था बनाएगी तो रुक जाएंगे, अब शासन व्यवस्था नहीं बनाई तो कहाँ रुकेंगे, जाएंगे अपने गाँव धीरे धीरे। और भी कुछ लोग हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हूँ। कहाँ पर जा रहे हैं? घर कहाँ है आपका? जहाँ से MP। MP में है। अच्छा, आप यहाँ पर पढ़ाई करते हो या काम करते हो? काम करते हैं। क्या काम कर? मजदूरी। अच्छा, तो दो दिन से काम तो नहीं मिला, लेकिन कर्फ्यू तो अभी कुछ दिनों में हट जाएगा, तो इंतजार तब तक नहीं हो पाएगा। खाने के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। हाँ, दुकान सारी बंद है, कर्फ्यू लगा सिर्फ गरीबों के लिए। कर्फ्यू लगा है सिर्फ गरीबों के लिए, और ये बोलकर जो शख्स है वो आगे बढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तस्वीर जो आप देख रहे हैं पलायन की, ये उन गरीब लोगों की है, उन मजदूर लोगों की है जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं। जिस दिन कमा नहीं पाते उस दिन खा नहीं पाते हैं, जिस दिन दुकान नहीं खुली उसके बाद उनके पास खाने के लिए नहीं बचा है। छोटे छोटे बच्चे गोद में लेकर, बाल्टी सर पे रख के, भारी सामान सर पे रख के, किलोमीटर के किलोमीटर ये लोग चलते जा रहे हैं क्योंकि वाहन पूरी तरह से बंद। रास्ता जो है यहाँ पे तो पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसी बच्चे को लेकर पैदल जाएंगे? जाएंगे साहब पैदल, क्या करें थे, काम वाम लग नहीं रहा है। कोई दुकान वकान खुल नहीं रही है लाश पानी लेने के लिए, क्या खाएंगे कहाँ रहेंगे फिर यहाँ पे? अभी तक कोई दुकान वगैरह नहीं खुली? नहीं खुली, कल ही खुली थी, सिर्फ 2 घंटा के लाने बाद सके लोग बंद हो गई मंडी। बस बच्चे के लिए दूध वगैरह नहीं मिल पा रहा? कुछ नहीं मिल पा रहा है, दुकानें नहीं खुल रही तो कहाँ से दूध वगैरह मिले, इस वजह से तो जा रही है। अब क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका। प्रियंका, तो देखिए प्रियंका जैसी तमाम महिलाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी, परेशानी उनकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कर्फ्यू का आज तीसरा दिन है, नूह में सांप्रदायिक हिंसा दो समुदायों के बीच में देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग परेशानी में नूह को छोड़ के जा रहे हैं वो कोई एक संप्रदाय के लोग नहीं है, वो किसी एक कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, वो सभी लोग हैं जो इस कर्फ्यू से परेशान हैं। लॉकडाउन में हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, नजर आई थी पलायन की, जहाँ पर लोगों को कि बहुत बड़े बहुत लंबे रास्तों पर पैदल चलना पड़ा था अपने घर पहुंचने के लिए क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, और अब फिर से वैसी तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। ये हम लगातार आपको जो तस्वीरें हैं नूह से दिखा रहे हैं, ये नूह से होते हुए रास्ता सोहना की तरफ जा रहा है और सोहना से गुड़गांव की तरफ। अभी यहाँ से जो सोहना का रास्ता, देखिए बुजुर्ग महिला भी है, उनसे बात कर, अम्मा कितना आपको चलना होगा अभी? जब ना चलो अभी भूख ऐसे तो अच्छा है कि ये चलते चलते मर जाए और क्या। आपकी उम्र क्या है? 70 साल जी।
और खाने पीने को दो दिन से नहीं मिल पाया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, पानी छोड़ा कर और कुछ भी नहीं। हाँ। क्या करूँ, भूखी मर रहे थे तो अच्छा है, चलते चलते अपना ये हो जाए। अपने यहाँ क्या करेंगे बेटे, कुछ ना है, मंजू लगना अभी तो सोना भी बहुत दूर है, आप लोग इतनी दूर बुजुर्ग महिला को लेकर कैसे जाएंगे? पैदल चले जाएंगे, क्या है, बच्चे छोड़े अकेले हैं, चले जाएंगे, पैसे ना है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे चले जाएंगे। देखिए, जेब में पैसे नहीं बचे हैं, जो पैसे हैं उससे खाना लेना चाहते हैं, लेकिन खाना लेने के लिए दुकानें नहीं खुली हैं। आपको बता दें कि कर्फ्यू में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के ढील ज़रूर दी गई है, लेकिन बावजूद इस ढील के दुकानें नहीं खुल रही हैं। दुकानें खुल भी अगर रही हैं तो दूध की सप्लाई उनमें नहीं हो रही है, कई सारे जो दूध के सेंटर्स हैं वहाँ तक दूध नहीं पहुँच रहा है, लिहाजा छोटे छोटे बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने को। बुजुर्ग महिला से हमने बात करी, एक और महिला हमें दिखाई दे रही है। अम्मा क्या नाम हुआ आपका, ये क्या लेके जा रही हैं आप? मैं सौदा लेके जा रही हूँ। खाना, साग सब्जी, थोड़ी बहुत जो सब्जी वगैरह। हाँ, सब्जी सब है। हाँ। अभी तो सोना भी बहुत दूर है, ऐसी पैदल जाएंगे? ना, मैं कहीं जाऊंगी ना, मैं कभी रोज पर। हाँ। क्यों जा रही हैं? मैं जब सवारी ना मिल रही। हाँ। सवारी ना मिल रही जब। हाँ। तो हम देख ले आपका सामान क्या क्या है, देख ले, ठीक है, दिखा दूंगी। एक सेकंड, नहीं आपका वो गिर जाएगा, मैं ऐसे देख लेती हूँ। हाँ। अच्छा, आप बच्चों के लिए लेकर जा रही हैं? के लिए ले जा रही हैं। हाँ। तो ऐसे हमें तमाम लोग नजर आ रहे हैं, उनके पास खुद के खाने के लिए नहीं बचा, लेकिन बच्चों के लिए जो आम बचे हैं वो लेकर जा रही हैं। कुछ ऐसी मार्मिक तस्वीरें हमें लगातार इस रिपोर्टिंग के दौरान देखने को मिल रही हैं। ये नू में सांप्रदायिक हिंसा की हम लोग रिपोर्टिंग करने आए हैं। 3 दिन से मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही हूँ, कैसे जो शोभा यात्रा है वो शुरू हुई, 500 मीटर बाद अस्थिरता अशांति देखने को मिली, 2 समुदायों के बीच में गोलीबारी तक हो गई, पत्थरबाजी हुई, 80 से ज़्यादा वाहन फूंक दिए गए, लेकिन इन सब का असर क्या हुआ? अंत में इस पूरे सांप्रदायिक दंगों से फायदा नुकसान किसको होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन तस्वीरें ये बताने को काफी हैं कि किसी एक समुदाय का नुकसान नहीं होता, सारे की सारी मानवता का नुकसान होता है, उन सभी लोगों का नुकसान होता है जो रोज कमाना खाना जानते हैं, जो रोज कमाना खाना चाहते हैं, अपने बच्चों को साफ सुथरा खाना देना चाहते हैं, उन सबके पास ये सारी चीज़ें अब नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि कर्फ्यू 3 दिन हो गए हैं, अब तक हटाया नहीं गया है, इंटरनेट की सेवाएं अब भी बंद हैं। जाहिर तौर पर यहाँ रहने वाले उन तमाम मजदूरों के लिए मुश्किल की घड़ी है, लिहाजा वो लंबे किलोमीटर्स तक, बहुत दूर तक चलने के लिए राजी हैं और सोना तक पहुंचना चाहते हैं, नू को छोड़ने की उन्होंने तैयारियां कर ली हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़ हरियाणा।